Press the red subscribe button to be a part of our channel and press the bell icon for the latest new videos notification. तो यार फाइनली जो हुआवे है उसने अपना OS ऑफिशियली लॉन्च कर दिया और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसके जो फीचर्स हैं वो कैसे होने वाले हैं और फ्यूचर के अंदर जो हुआवे के प्लान्स हैं वो कैसे हैं और कब तक ये जो हुआवे का OS है वो किसी स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है और जो मेट 30 सीरीज है क्या उसके साथ ये OS आएगा या नहीं आएगा और इसकी कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, क्या इसके अंदर जितनी भी एंड्रॉइड्स की एप्स हैं वो चलेंगी या नहीं चलेंगी। तो अगर आप एक हुआवे के यूजर्स हैं और आप ये जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। तो गाइस मेरा नाम है हमाद और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर दूंगा, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा उसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ एक बेल का आइकन होगा उसे लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट है वो सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार फाइनली जो है हुआवे ने अपना OS लॉन्च कर दिया जैसे कि मैंने आपको बताया और कल हुआवे की जो है वो चाइना में डेवलपर कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर उन्होंने ये ऑफिशियली अपना जो OS है उसे लॉन्च किया और इसका जो OS का नाम है वो हार्मनी OS उन्होंने दिया है। पहले ये न्यूज़ आ रही थी कि इसका नाम आर्क OS होगा, ओक OS वगैरह होगा, तो इसका जो ऑफिशियल नाम होने वाला है ग्लोबली वो होने वाला है हार्मनी OS और जो इसका नाम होगा चाइना के अंदर वो होने वाला है होंगमेंग OS। और हुआवे ने ये कहा है कि जो हुआवे का जो अपना OS होने वाला है ये हार्मनी OS वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा एंड्रॉइड से। लेकिन उसके अलावा हम पहले डिटेल में बात कर लेते हैं कि जो इनका OS है वो कैसे बेस्ड है, मतलब इसकी जो बेसिक्स है वो क्या है। तो देखें जो हुआवे का OS है वो माइक्रो कर्नल बेस है और जो आपको पता होगा जो आप एंड्रॉइड वगैरह यूज़ करते हैं वो लाइनक्स बेस है। और माइक्रो कर्नल बेस्ड होने का फ़ायदा ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसे काफ़ी अच्छे से यूज़ किया जा सकता है ये OS के अंदर और इसकी जो कंपैटिबिलिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। अब जो हुआवे का OS है वो पहले ये कहा जा रहा था कि सिर्फ IoT के अंदर यूज़ होगा, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर जो डिवाइसेस होती हैं इंटरनेट वाली सिर्फ उनके अंदर यूज़ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो हुआवे का OS होने वाला है वो आपको स्मार्ट वॉचेस, LED TVs और उनके मोबाइल्स ऑफकोर्स उसके अंदर तो आएगा और जो लैपटॉप्स वगैरह और जितनी भी उनके राउटर्स वगैरह हैं उनके सबके साथ वो कंपैटिबल होगा। तो इसकी जो कंपैटिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है क्योंकि एंड्रॉइड आपको सिर्फ स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है। और हुआवे ने यह भी कहा है कि जो भी इस आपको जो एंड्रॉइड के अंदर मसले देखने को मिलते थे उनको मद्देनजर रखते हुए OS हमने बनाया है, मतलब कि जो भी आपको बग्स वगैरह एरर वगैरह एंड्रॉइड के अंदर देखने को मिलते थे वो इस OS के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे और ये 40-60% फास्टर होने वाला है एंड्रॉइड से। और आपको पता होगा जो एंड्रॉइड है वो कभी भी जो है वो नहीं बनाया गया था मोबाइल के लिए, उसके लिए इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मसले आते हैं, लेकिन हुआवे का जो OS है उसका सीमलेस जो है वो एक्सपीरियंस होने वाला है। वैसे तो गूगल भी अपना जो है अलग से OS के ऊपर काम कर रहा है फूशिया OS, तो उसको कंपैटिबिलिटी को लेकर हुआवे ने एक ऐसा OS निकाला है जो कि डायरेक्ट कम्पीट कर सके एंड्रॉइड को, नहीं उनके फूशिया OS को। तो यार बात कर ली जाए कि जो हुआवे का OS है वो कब तक आपको इनकी डिवाइसेस के अंदर देखने को मिलेगा, तो हुआवे ने यही कहा है कि 2020 तक ये जो OS है वो इनका आपको स्मार्ट वॉचेज इनकी और LED TVs के अंदर देखने को मिल जाएगा। और हुआवे ने यह भी कहा है कि अगर आप एंड्रॉयड जो है वो हमारे लिए अभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी है, अगर हम मोबाइल फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड यूज़ करने की हमें इजाज़त परमानेंट मिल जाती है तो हम इसी को यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी तक जो है वो बैन था जो अमेरिका का वो उसे टेम्पोररी तौर के ऊपर जो है वो हटाया गया है, उसका अभी जो फैसला है वो अभी आना है ऑफिशियल फैसला। तो अगर हुआवे को वो यूज़ करने दिया गया तो हुआवे ने यही कहा है कि हम वही यूज़ करेंगे, लेकिन मुझे पर्सनली यही लगता है कि अगर वो बैन ख़त्म भी हो जाता है और हुआवे को इजाज़त मिल भी जाती है एंड्रॉयड यूज़ करने की तो तब तक वो हुआवे जो है वो 1-2 साल तक और भी पॉलिश कर लेगा अपने OS को और उसके बाद जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन सभी मोबाइल फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाएगा उनका OS। तो यार अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल की, जो कि ये था कि जो हुआवे का OS है उसके अंदर क्या आपको एंड्रॉयड की सारी एप्लीकेशन जो है वो यूज़ करने को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी या वो उसके साथ कंपैटिबल होगा या नहीं। तो हुआवे ने ऑफिशियली यही कहा है कि उनका जो OS है वो बिल्कुल कंपैटिबल है सारी एप्लीकेशन के साथ जो कि आप एंड्रॉयड के अंदर यूज़ करते हैं वो आप ईजिली यूज़ कर सकते हैं उनके OS के अंदर, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले हुआवे ये कह रहा था जब ये OS नहीं आया था तो काफ़ी ज़्यादा लीक्स और र्यूमर्स यही आए थे कि हुआवे टेस्ट आउट कर रहा है कि ये एप्लीकेशन किस तरह से जो है वो उनके OS के ऊपर मतलब के चलाई जा सकें, और हुआवे इवन ये भी नहीं मान रहा था कि वो कोई OS के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अभी आपको टेंशन
लेने की जरूरत नहीं है अगर हुआवे के आप फैन हैं और ओनर हैं और चाहते थे कि हुआवे का ओएस जो है आप टेस्ट आउट कर सकें और उसके अंदर सारी एप्लीकेशन चलें तो वो बिल्कुल चलेंगी। और उसके अलावा बात कर ली जाए कि हुआवे इसको अपने स्मार्टफोन के अंदर कब तक लेके आएगा, तो हमने एक रिसेंटली रिपोर्ट देखी, काफ़ी एक बड़ी वेबसाइट है उनकी, ये रिपोर्ट थी कि हुआवे की जो क्वार्टर फोर्थ होगा जिसके अंदर वो अपनी मेट 30 सीरीज को लॉन्च करेगा जो कि उनकी फ्लैगशिप सीरीज होगी, उसके साथ वो एक ऐसा फ़ोन लेके आएगा जो कि $200 या $300 का होगा, मतलब कि एक मिड रेंज फोन होगा। उसके अंदर वो हार्मोनी ओएस देगा अपना लोगों को टेस्ट आउट करने के लिए और लोग वो उनका ओएस वगैरह टेस्ट करेंगे और लोगों का फिर रिएक्शन देख के हुआवे आगे अपना स्टेप लेगा फर्दर, क्योंकि तब तक अगर एंड्रॉयड का जो है वो बैन ख़त्म भी हो जाता है तो हुआवे तब तक एंड्रॉयड यूज़ करेगा और अपना वो एक मोबाइल फ़ोन ले आएगा, तो तब तक लोगों का रिएक्शन देखेंगे। अगर उनका ओएस काफ़ी ज़्यादा कामयाब चला जाता है, उसके अंदर जितने भी बग्स वगैरह वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर हुआवे क्या करेगा कि अगले साल से अपनी जो मोस्ट चांसेस यही है कि अपनी सारी डिवाइसेस को हुआवे के अपने ओएस के साथ मतलब के ले आएगा, और इससे हुआवे को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जितनी भी दूसरी चाइनीज़ मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं ओप्पो वीवो वगैरह वो भी हुआवे का जो ही हार्मोनी ओएस है उनको यूज़ करने लग जाए। तो अभी देखना ये होगा, हमें यही वेट करना है कि हुआवे का ये जो ओएस है वो कब तक हुआवे अपना किसी भी स्मार्टफोन के अंदर या वॉच या उसके किसी भी LED TVs के अंदर लेकर आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह।